लोजपा सेकुलर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यानंद शर्मा भी शामिल हुए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 23 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। वहीं बिहार में अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में पार्टी जोरों से लगी है और प्रखंड स्तर पर पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है। लोजपा सेकुलर के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक और हमको खुशी है कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में पूरे बिहार में जिला कमेटी बनाया, बहुत मेहनत हुई, हमारे सभी नेता आज हाजिर हुए। गोविंद शर्मा जी हैं, जद्दू भगत जी हैं, रोहित जी हैं, सभी साथी, सभी समाज के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांता प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं पिछड़े प्रकोष्ठ और प्रदेश अध्यक्ष परमानंद ठाकुर जी हैं, परमानंद शर्मा देता पृथ्वी बाबू भी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अति पिछड़ा समाज से माझी जी नहीं आते हैं, महादलित महादलित। हाँ, इसलिए नीतीश जी ने बनाया और फिर माझी जी के साथ क्या किया ये भी आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। इसलिए कृपा का पात्र बनकर के नहीं, ताकत के बल पर अति पिछड़ा मुख्यमंत्री हो लोजपा सेकुलर सब लोग मिल करके अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को बहुत ही मजबूत संगठन के दिशा में लेकर चले। और अभी कार्यक्रम है पार्टी का 23 जनवरी को IIM Hall में होगा, जहाँ कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के पूर्व संध्या कार्यक्रम होगा, अति पिछड़ा सम्मेलन होगा, उसी की तैयारी के लिए आते हैं। मेन उद्देश्य क्या रहेगा उस दिन? उद्देश्य तो देखिए, पार्टी ने घोषणा किया है कि बिहार में हम अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे 2020 में, और उसी के लिए सारा कार्यक्रम और सारा प्रोग्राम संगठन, हमको फक्र है कि लोजपा सेकुलर का एकदम प्रखंड पंचायत और ग्राम समिति वाइस संगठन बन रहा है, बहुत हद तक कामयाबी मिली है। अति पिछड़ा ही क्यों मुख्यमंत्री? इसलिए अति पिछड़ा कि इसका वोट बैंक 36% और आज़ादी के 74 वर्षों में अति पिछड़ी जाति के लोगों को राजनीति में जूठन पत्तल पर भी भोज करने से वंचित रखा, भिखारी बना करके राजनेताओं ने खड़ा रखा, कभी काउंसिल में भेज दिया, कभी राज्यसभा में भेज दिया, यही अति पिछड़ों की भागीदारी रही है। यानी 36% आबादी वाला लोग भिखमंगा की तरह खड़ा रहा राजनीति में, और जिसकी आबादी 2%, 4%, 12%, 11% है, वो लोग राज करता रहा। इस मिथ्या को तोड़ेगा इस बार लोजपा सेकुलर और अति पिछड़ा मुख्यमंत्री। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।